गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आपने मेरी वीडियो में काफ़ी DIY देखे होंगे, लाइक हेयर को लेकर, स्किन केयर को लेकर। सो यस, मैं आज आप लोगों के लिए एक और DIY लेकर आई हूँ, नॉट फॉर स्किन फेयरिंग, नॉट फॉर, ये सिर्फ जो होगा स्किन ग्लोइंग के लिए होगा और टैनिंग रिमूवल के लिए होगा, मैं जो आप लोगों के घर में ही मौजूद है। जैसे कॉफी, कॉफी तो आप सभी के घर में होती है, लेमन है एंड शुगर है। शुगर हम कैसे यूज करेंगे, जो हम जो शुगर यूज करते हैं वो थोड़ी सी मोटी होती है, तो हमें उसको थोड़ा सा ग्राइंड कर लेना है जिससे कि वो थोड़ा पतली हो जाएगी, तो स्क्रबिंग में हेल्प मिलेगी आपको भी। तो मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ 1 चम्मच कॉफी, और जैसे कि मैंने आपको बताया शुगर जो कि मैंने हल्की सी ग्राइंड की है, और कोकोनट ऑयल है 1/2 चम्मच, और ये नींबू है जो कि 1/2 नींबू ही हम दोनों पैक में यूज़ करेंगे। ये भी स्क्रब के लिए मैं तैयार कर रही हूँ। तो ये सब डालकर हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। नाउ मूविंग ऑन फेस पैक। तो सो गाइज, हमने यहाँ पर लिया है एक बाउल, उसमें हमने 1 चम्मच आटा डाला है एंड 1 चम्मच ही हमने बेसन डाला है, और डालेंगे इसमें थोड़ा सा दही। दही भी 1 चम्मच हम डाल सकते हैं, 1 चम्मच हमने दही डालनी है। 1/2 चम्मच हमने इसमें कॉफ़ी पाउडर डालना है एंड जो मैंने आपको बताया था नींबू, तो नींबू हमने 1/2 ही यूज़ करना है, जो कि 1/2 हमने स्क्रब में यूज़ करना है, 1/2 हमें पैक में यूज़ करना है। देन हमें इसको पूरा मिक्स करना है, मिक्स मिक्स एंड मिक्स। ओके, एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, अगर आप इसमें नींबू नहीं डालना चाहते हैं, किसी किसी की स्किन जो होती है सेंसिटिव होती है, तो उसमें नींबू ना डाल के आप 1 टेबलस्पून रोज़ वाटर डाल सकते हैं। तो रोज़ वाटर का भी बहुत अच्छा मतलब ग्लोइंग आता है, बहुत अच्छा होता है वो। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें अपनी स्किन को क्लियर करना होगा। जैसे कि हमने या तो हम कच्चे दूध से अपनी स्किन को थोड़ा सा धो सकते हैं, या तो रोज़ वाटर से, उसके बाद ही हमें ये स्क्रब स्टार्ट करना है। तो ये मेरा स्क्रब पूरा बन के तैयार है, तो ठीक है। तो स्क्रब हम यूज़ करेंगे अपने फेस पर, नेक पर, इसे हम अपने एल्बोज़ पे भी हम यूज़ कर सकते हैं, हैंड पर भी हम यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मतलब टैनिंग कितनी रिमूव हुई है, मेरे फेस पे भी इनफैक्ट बहुत टैनिंग थी। वीडियो है ना, मेन है ही इसीलिए कि हमें फेस पर ब्राइटनेस नहीं चाहिए, ब्राइटनेस के लिए हमें ब्राइटनेस के साथ साथ अपने फेस पर चाहिए ग्लोइंग। तो हमें ग्लोइंग स्किन चाहिए, तो इसके लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा। सो ठीक है, तो ये जो वीडियो है, ये जो स्क्रब है, ये जो फेस पैक है, ये सिर्फ और सिर्फ टैनिंग रिमूवल के लिए है। आपके फेस से पूरी टैनिंग रिमूव होगी एंड फेस पे ग्लो आएगा। तो ठीक है, देर ना करते भाई, स्टार्ट करते हैं वीडियो को, बहुत देर हो चुकी है। तो ठीक है, और आप सब भी इसे ज़रूर यूज़ करना और मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। सो हमें जो ये लगाना है, थोड़ा थोड़ा लेकर हमें ऊपर के डायरेक्शन में लगाना है, जैसे कि मैं लगा रही हूँ। तो पूरे फेस पर ही आप इसको लगाओगे बहुत आराम से मसाज करते हुए, क्योंकि जब आप इसको लगाओगे ना अपने फेस पे, तो मतलब आपको खुद ही महसूस होगा कि हाँ हमारे फेस पे स्क्रब हो रहा है। तो हल्के हल्के हाथ से आप लगाओगे इसको राउंड राउंड एंड जितना भी स्टेप्स होंगे आपके ऊपर की तरफ ही होने चाहिए। तो पूरा आप इसे कवर कर लेना, लाइक फोरहेड, नेक, एल्बोज़ पे लगाना चाहो वहाँ आप लगा सकते हो, क्योंकि बेसिकली ये टैनिंग रिमूवल है, तो आप इसे कहीं भी आप यूज़ कर सकते हो। आप एयर पे भी आप इसको लगाना अच्छे से, जैसे मैं लगा रही हूँ, आप देख सकते हैं। तो ऐसे ही आपको एयर पे लगाना है, फोरहेड पे लगाना है। सो गाइज, काफ़ी लोग जाते होंगे ना पार्लर में फेशियल करवाने, और आप यहाँ पे देख सकते हो मैं कैसे कैसे स्टेप्स यूज़ कर रही हूँ, तो आपको भी ऐसे ही यूज़ करना है। तो इससे ना एक ये भी है कि हमारे जो फेस पे झुर्रियाँ पड़ती है ना, वो भी नहीं पड़ती हैं, धीरे धीरे हमारी स्किन भी टाइट होना शुरू हो जाती है। और तो इसको आप ऐसे ही थोड़ा ना अच्छे से स्क्रब करके, जहाँ जहाँ भी आप करना चाहो वैसे आप स्क्रब करके इसको 10 से 15 मिनट आप इसको रहने देना अपने फेस पर, क्योंकि अगर आप इसको तभी आप छुटा दोगे ना, तो जो उसका एक मेन
जो ग्लो आना होता है वो नहीं आ पाएगा, उतना नहीं आ पाएगा। तो इसको आपको ऐसे पूरा मसाज करके फेस की 10 मिनट आप इसको छोड़ देना फेस पे, उसके बाद आप इसको हटाओगे। हल्के हल्के जैसे पानी हाथ में लेना, फिर आप इसको हटाना। तो जैसे आप इसको हटाओगे तो आप इसको अच्छे से मतलब रब कर करके आप इसको हटाना, हल्का हल्का पानी ले लेना। आप इसको खुद ही आप देखोगे तभी आपको थोड़ा मतलब फ़र्क दिखाई देगा। पूरा ये हटा चुकी हूँ, आप देख सकते हैं स्किन में कितना फ़र्क दिख रहा है अभी ही। तो अब टाइम है यहाँ पर फेस पैक लगाने का। तो फेस पैक के लिए मैंने अपना फेस अच्छे से धो लिया था, उसको अच्छे से पोंछने के बाद हम फेस पैक हम लगाएंगे। तो ये मैं ऑलरेडी बना के रख चुकी हूँ फेस पैक, जैसे कि मैंने आपको बताया था, और ये मेरा ब्रश है। तो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं फेस पैक लगाना। गाइस, जैसे कि आप लोगों ने देखा स्क्रब मेरा हो चुका है, और कितना फ़र्क उसमें दिख रहा था आपने देखा, मेरे हैंड की भी स्किन पे देखा होगा आपने, मेरे खुद की स्किन पे भी देखा होगा। तो अब टाइम है फेस पैक लगाने का, तो चलते हैं फेस पैक लगाते हैं देर ना करते हुए। सो जब ये पैक सूख जाए तो हमें फेस वॉश करना है, 10 मिनट में ये सूख जाएगा। और आप देख सकते हैं मैंने अभी फ़ेस वॉश कर लिया है, तो मतलब काफ़ी मेरे फेस में फ़र्क लग रहा होगा आपको। और ये अगर आप धीरे धीरे करते हैं ना वीक में 2 टाइम, तो बहुत अच्छी आपकी स्किन हो जाएगी। सो गाइस, आप देख ही चुके हैं तो गाइस, आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी ये इसको जो मैंने फेस पैक बनाया है, मैंने जो स्क्रब यूज़ किया है, आप भी इसको एक बार ज़रूर यूज़ करेंगे। और अगर आप लोग इसमें लेमन, अगर आप इसमें नींबू नहीं डालना चाहते तो आप इसको स्किप कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी लोगों की स्किन जो होती है ना सेंसिटिव होती है। तो ठीक है, आप उसे स्किप कर आप इसमें रोज़ वाटर आप यूज़ कर सकते हो।
बाकी आप सेम एज इट इज आप इसको ऐसे फॉलो करके अपनी स्किन को ग्लोइंग बना सकते हो एंड टैनिंग रिमूव कर सकते हो। तो ठीक है, आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और प्लीज़ जिनको भी मेरी वीडियो पसंद आई हो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।